लगभग 170 साल पहले मुंबई और अठाड़े के बीच जब पहली ट्रेन चली, तब लोगों में जैसी खुशी देखी गई, कुछ वैसा ही उत्साह बाराबंकी रेलवे स्टेशन पर गोरखपुर से लखनऊ के बीच शुरू हुई वंदे भारत एक्सप्रेस को देखकर नजर आया। चाहे बात अंदर बैठे यात्रियों की हो या फिर रूट के अलग अलग स्टेशनों पर ट्रेन को देखने के लिए खड़े लोगों की, सभी के अंदर गजब की दीवानगी दिखी। हजारों लोग वंदे भारत की बस एक झलक पाने को बेताब नजर आए। देखिए ये रिपोर्ट। देश की पहली स्वदेशी सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस गोरखपुर से अयोध्या होते हुए बाराबंकी पहुंची, जहां बाराबंकी के सांसद उपेंद्र सिंह रावत और हजारों लोगों ने पुष्प वर्षा की और भारत माता की जयकारों के साथ पूरी गर्मजोशी से वंदे भारत का स्वागत किया। इस दौरान बाराबंकी रेलवे स्टेशन पर लोग वंदे भारत ट्रेन की एक झलक पाने के लिए बेताब दिखे। बता दें कि लोगों में देखने के लिए कौतूहल बनी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन 2 मिनट के लिए बाराबंकी रेलवे स्टेशन पर रुकी। आज बाराबंकी से हम लोग यात्रा कर रहे हैं वंदे भारत ट्रेन में। आज बाराबंकी का जो माहौल था रेलवे स्टेशन पर, करीब 1.5-2 हज़ार के आसपास वहां पर नागरिक इकट्ठा थे। मन में कौतूहल था उनके मन में कि वंदे भारत ट्रेन जो मोदी जी ने इस देश को समर्पित की है, किस तरीके की ट्रेन होगी, कैसी ट्रेन होगी, ये देखने के लिए लोग लालायित थे। भारी संख्या में लोग जमा थे बाराबंकी रेलवे स्टेशन पर। लोगों ने ट्रेन का स्वागत किया, फूल वर्षा करके वंदे भारत ट्रेन का स्वागत किया। हमारे साथ कुछ लोग ट्रेन पर बैठ करके लखनऊ तक यात्रा भी कर रहे हैं। इस दौरान ट्रेन में सवार स्कूली छात्र छात्राओं की खुशी का ठिकाना नहीं था। उन्होंने गोरखपुर से लखनऊ की इस यात्रा का जमकर लुत्फ उठाया। बच्चों ने सफर को यादगार बताया। उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात को लेकर भी काफी खुशी जाहिर की और कहा कि ये उनके लिए किसी सपने के सच होने से कम नहीं है। वैष्णवी अवस्थी है, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है एंड इट्स माय लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। मैं फर्स्ट टाइम ही ट्रैवल कर रही हूँ वंदे भारत में, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है। यहाँ पे बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं, आई मीन बहुत ही अच्छा सिस्टम है यहाँ पे, सिक्योरिटी सिस्टम, चाहे जिस भी चीज़ की बात करी जाए। एंड आई एम वेरी मच हैप्पी। मोदी ने गिफ्ट दिया है देश को, क्या कहना चाहेंगे? आज आप लोगों ने मोदी से मुलाकात भी की है। मैं मोदी जी को बहुत ज़्यादा थैंक यू कहना चाहूँगी फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड आई एम वेरी मच हैप्पी। एंड वंदे भारत के चलने से बहुत ही ज़्यादा चेंज आएगा हमारे इकोनॉमिक लाइफ में एंड हर चीज़ में मोस्टली। मेरा नाम अभिज्ञान प्रकाश पांडे है। क्या कहेंगे वंदे भारत में आज आप ट्रैवल कर रहे हैं? देखिए, वंदे भारत में ट्रैवल करना वैसे तो मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। पहली बार ऐसी फ्यूचरिस्टिक ट्रेन जो इंडिया में चल रही है, इसमें ट्रैवल करना बहुत ही गर्व और सम्मान की बात है। इस ट्रेन में हर तरह की फैसिलिटी अवेलेबल है, हमें किसी भी तरह की कमी की कुछ भी महसूस नहीं हुआ, कोई भी कमी। और इतना मतलब अच्छा लग रहा है ना, ऐसा लग रहा है जैसे कि हम किसी फ्यूचरिस्टिक देश में आ गए हैं। इंडिया के ऐसे कदम, ऐसी ट्रेनों को लॉन्च करने का ये डिसीजन बहुत ही अच्छा था, क्योंकि ये ट्रेन्स अफोर्डेबल भी हैं बहुत से लोगों के लिए और चीज़ों को बहुत ही हद तक आसान बना देती हैं। ट्रेन में सवार बाकी लोगों ने वंदे भारत एक्सप्रेस को बदलती भारत की तस्वीर बताया। उन्होंने इसके लिए पीएम मोदी का धन्यवाद दिया। बिल्कुल बदल रहा है भारत, और उससे भी ज़्यादा बदल रही है हमारे तौर तरीके और तहजीब। बच्चों ने जो भी खाया है और जो भी कचरा फेंका उसको उठा के बैग में डाला है, सच में बदल रहा है हमारा भारत। और गाड़ी इतनी आधुनिक है, इतनी अच्छी सीट्स हैं, लग रहा महंगाई जहाज हो गया है। और सबसे प्यारा है जो बाहर के लोग इतने सारे हाय कर रहे हैं, इतनी स्पेशल फीलिंग है, लग रहा है कि हम ही प्राइम मिनिस्टर हैं, हम ही चीफ मिनिस्टर हैं, सब कुछ हमी लोग हैं। मोदी जी से मिले हम, आज मोदी जी से सच हुआ, बिल्कुल सच।
आपको बता दें कि गोरखपुर से लखनऊ के बीच वाया बस्ती अयोध्या रूट की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के संचालन का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोरखपुर में हरी झंडी दिखाकर किया, जिसके बाद वंदे भारत एक्सप्रेस गोरखपुर से चलकर सहजनवा, खलीलाबाद, बस्ती, बभनान, मनकापुर, अयोध्या, बाराबंकी रेलवे स्टेशनों पर रुकते हुए लखनऊ की ओर रवाना हुई। हालांकि अन्य दिनों में गोरखपुर से सुबह 6:05 पर चलने वाली इस ट्रेन का स्टॉपेज बाराबंकी में नहीं रहेगा। गोरखपुर के बाद ये ट्रेन केवल बस्ती, अयोध्या और लखनऊ रेलवे स्टेशनों पर ही रुकेगी। वंदे भारत ट्रेन को देखने के लिए बाराबंकी की पूरी जनता उमड़ पड़ी है। इनकी सुरक्षा व्यवस्था और वंदे भारत को सभी लोग देख सकें, जो हमारे यहाँ एक अनूठी व्यवस्था हुई है और उसको देख करके लोग बड़े उत्साहित हैं। वहाँ पे कोई दिक्कत ना आए तो उनकी सुविधा के लिए हम लोगों ने यहाँ पे अपने सिविल पुलिस और PAC के, हमारे थाना GRP और RPF के जो हमारे अधिकारी लोग हैं, सारे लोगों ने यहाँ पे व्यवस्था कर रखी है। प्लेटफार्म पे कहीं पे कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए हम लोगों ने रस्से भी लगा रखे हैं कि जिससे उसके अंदर लोग खड़े रहें, उनको अनाउंस करके बीच में बताया भी जा रहा है। नई उपलब्धि भला किसे नहीं भाती। वंदे भारत ट्रेन को लेकर जनता का उत्साह स्वाभाविक है। बहरहाल जरूरी ये भी है कि हम हिफाजत का कर्तव्य भी याद रखें, ताकि हमारे जरिए ट्रेन को किसी भी प्रकार का नुकसान ना पहुंचे, जैसा कि रेलवे हमें इसकी सीख भी देता है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया।